हेलो स्टूडेंट्स, पॉलीटेक्निक लिब्री लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, ONGC का नाम आपने जरूर सुना होगा, जिसे हम जानते हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से। ये एक महारत्न पब्लिक सेक्टर है और बहुत बड़ा पब्लिक सेक्टर माना जाता है। तो इसमें बच्चों अप्रेंटिसशिप की बहुत बड़ी संख्या में वैकेंसी आई हुई हैं। यदि सभी को हम जोड़ दें, चाहे वो पॉलीटेक्निक डिप्लोमा के लिए, ITI के लिए, 10th 12th BE BTEC या अन्य जो UG कोर्सेज होते हैं, तो टोटल 2500 वैकेंसी हैं। तो इसमें बच्चों आपको अप्लाई जरूर करना है यदि आप ONGC में काम करने के इच्छुक हैं। इसमें एक चीज ध्यान रखना है, सबसे पहले जो टेबल आप देख पा रहे हैं, तो इसमें वर्क सेंटर वाइज, यानी जैसे देहरादून हो गया, बहुत सारी पूरे ऑल इंडिया में इनके वर्क सेंटर्स हैं, उसके हिसाब से वैकेंसी अलग अलग हैं। तो आपको उसी वर्क सेंटर में अप्लाई करना है जहां से आप अपनी क्वालिफिकेशन पास की है या जहां के आप मूल रूप से रहने वाले हैं, जहां के आप निवासी हैं। तो इसमें बहुत अच्छे तरीके से इस टेबल को देख लीजिए, टेबल काफी बड़ी है। इसमें अलग अलग सब दिया हुआ है, किस पद में कितनी वैकेंसी है, कितनी संख्या में है, सब अलग अलग वर्क सेंटर है। तो इसको आपको अच्छे से देखना पड़ेगा। वेस्टर्न सेक्टर में देखिए अलग है, इसके बाद नीचे आप आएंगे तो अलग आपको दूसरा सेक्टर मिल जाएगा। इसमें जो जो स्टेट्स या जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं ईस्टर्न सेक्टर में, देखिए अलग मिल जाएंगे। तो ये आपको पूरी PDF एक बार देखनी पड़ेगी। साउदर्न सेक्टर आ गया इसके बाद, तो ये लगातार ही पूरी टेबल आप देख लीजिए। यहाँ पर अगर आप देखेंगे लास्ट में, तो ग्रांड टोटल जो आएगा सभी जो वर्क सेंटर से उनको मिला दिया जाए, तो 2500 अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है। तो आइए जल्दी से बाकी देख लेते हैं। एज क्राइटेरिया की यदि बात करें, तो 18 साल मिनिमम होना चाहिए और अधिकतम होना चाहिए 24 साल। 24 साल की गणना के लिए जो कट ऑफ डेट है वो 20 सितंबर 2023 है, यानी 20/9/2023 को आपको कैलकुलेट करना है। यानी कोई भी अभ्यर्थी जो अप्लाई कर रहा है वो 20/9/1999 और 20/9/2005 के बीच में उनका क्या होना चाहिए, बर्थ होना चाहिए डेट। तो इसको आप विशेष तौर से ध्यान लीजिए। इसके अलावा ऊपरी आयु सीमा में जो SC ST कैंडिडेट्स को 5 साल की छूट है, OBC वालों को 3 साल की छूट है, PWBD स्टूडेंट्स हैं चाहे वो किसी कैटेगरी के हों, तो उनको 10 ईयर्स की छूट है। इसी तरीके से अलग अलग भी इसमें लिखा हुआ है। तो इसमें अगर कोई SC ST का है तो उसके लिए 15 साल की छूट है PWBD में, और यदि OBC नॉन क्रीमी लेयर का यदि PWBD कैंडिडेट है तो उसके लिए 13 साल तक की छूट है। तो इस तरीके से ऊपरी आयु सीमा में छूट है, इसको आप देख सकते हैं। तो इसमें बच्चों अगर हम बात करें कि किस किस क्वालिफिकेशन के लिए, तो ये सारा देखिए आपको दिया है। इसमें 10th पास भी जा सकते हैं, ये देखिए 10th यदि आपने किया है, जैसे लाइब्रेरी असिस्टेंट है, केबिन रूम अटेंडेंट है, ये ड्रेसर मेडिकल है, या हाउसकीपर कारपोरेट, ये सब देखिए 10th पास वैकेंसी है। ऑफिस असिस्टेंट की बात करें तो 12th पास होना चाहिए। बाकी ये देखिए ट्रेड है, ये सब ITI वाली ट्रेड है। तो इसी तरीके से विभिन्न ITI की ट्रेड है, आप इसको देख सकते हैं। ग्रेजुएट्स के लिए वैकेंसी BSc के लिए है, BBA के लिए है, और आपका अन्य जो ग्रेजुएट किसी भी ब्रांच से किए हों तो उनके लिए भी है। ये आप देख पा रहे हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर, सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, स्टोर कीपर, ये सब ग्रेजुएट वाली वैकेंसी है। डिप्लोमा की देखिए ये वैकेंसी कौन कौन सी है, सिविल एग्जीक्यूटिव, कंप्यूटर साइंस एग्जीक्यूटिव, ENT एग्जीक्यूटिव, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एग्जीक्यूटिव, इंस्ट्रूमेंटेशन एग्जीक्यूटिव, मैकेनिकल एग्जीक्यूटिव, तो ये सारे डिप्लोमा की है। देखिए डिप्लोमा होना चाहिए रिस्पेक्ट टू डिसिप्लिन ऑफ इंजीनियरिंग। तो जैसे कंप्यूटर साइंस एग्जीक्यूटिव, तो कंप्यूटर साइंस या IT से डिप्लोमा होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन एग्जीक्यूटिव, तो उसके लिए उसमें संबंधित में इलेक्ट्रिकल व इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स एग्जीक्यूटिव में इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा हो, इंस्ट्रूमेंटेशन में डिप्लोमा, मैकेनिकल एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल में डिप्लोमा हो। इसी तरीके से फायर सेफ्टी एग्जीक्यूटिव, इसमें भी डिप्लोमा होता है, डिप्लोमा होना चाहिए फायर एंड सेफ्टी में। पेट्रोलियम एग्जीक्यूटिव में ग्रेजुएट होने जूलॉजी के साथ एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, एक जूलॉजी के सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन में, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक चीज इसमें और दी है कि जैसे ITI वाले हैं वो apprenticeshipindia.gov.in पर अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं, और जो डिप्लोमा और BE BTEC वाले स्टूडेंट्स हैं वो नेट्स पोर्टल पर कराते हैं, तो उनका उसमें पंजीकरण होना चाहिए। इसके बारे में मैं अलग से कई बार बताता रहता हूं, तो मुझे लग रहा है अलग से इसमें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। स्टाइपेंड की बात कर लेते हैं। ग्रेजुएट अप्रेंटिस चाहे वो BA BCOM BSc BBA BE BTEC कुछ भी हो, 9000 प्रतिमाएं हैं। डिप्लोमा अप्रेंटिस की बात करें तो डिप्लोमा क्वालिफिकेशन वालों को 8000 प्रतिमाएं। ट्रेड अप्रेंटिस चाहे हाई स्कूल हो, चाहे इंटर हो, चाहे ITI, ऊपर मैंने बताया था, उनके लिए 7000 रुपये प्रतिमाएं हैं।
तो इसमें आपको TA-DA कुछ मिलेगा नहीं। सिलेक्शन की यदि आप बात करें तो सिलेक्शन मेरिट के आधार पर होगा, जो आपने क्वालिफिकेशन जो आपकी है उसके मार्क्स जो हैं उसके आधार पर मेरिट बनेगी, जिसके मार्क्स ज़्यादा होंगे उसका चयन पहले हो जाएगा। तो इसमें आपको जो भी आपको नोटिफिकेशन है चयन होने के संबंध में आपको मैसेज के माध्यम से, जो आपका एक्टिव मोबाइल नंबर है, या ईमेल के माध्यम से आपको प्राप्त हो जाएगा। बाकी जनरल कंडीशन से वो सारी पढ़ लीजिए कि पहले से अप्रेंटिसशिप ना की हो, कोई जॉब का एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए। अप्रेंटिसशिप के लिए फ्रेशर्स को ही प्रेफरेंस दिया जाता है, और अप्लाई करने के पहले अपना ईमेल एसएमएस बिल्कुल एक्टिव दीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वो या एसएमएस अलर्ट है वो आपको समय से प्राप्त होते रहें। अब बाकी चीजें हैं सिलेक्शन एंड ज्वाइनिंग का, जो भी आपको इसमें बता दिया गया है कि आपको सूचना आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या एसएमएस में, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर उसमें एसएमएस भेज करके की जाएगा। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो 1 सितंबर को ये एडवर्टीजमेंट जारी हो चुका है, और 1 सितंबर से ही आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल खुल गया है, अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट डेट इसकी 20 सितंबर 2023 है, और जो आपका रिजल्ट है वो 5 अक्टूबर को जारी कर दिया जाएगा। डेट ऑफ रिजल्ट या सिलेक्शन की लिस्ट 5 अक्टूबर को आपको सूचना मिल जाएगी इसकी। और आप इंक्वायरी चाहते हैं तो इनका ONGC ने अपना ये अलग से दे रखा है, ONGC_skill-dev-development@ongc.co.in। तो इस तरीके से इस पर आप भेज करके अपनी क्वेरी कर सकते हैं, अपनी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं। ये एनेक्सर वन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देखना है। जो वर्क सेंटर की हम बात कर रहे थे लोकेशन की, जैसे देहरादून वर्क सेंटर है तो उसमें कौन सा स्टेट आता है, उत्तराखंड आता है, और उसकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट, ऑल डिस्ट्रिक्ट यानी उत्तराखंड में जितने डिस्ट्रिक्ट होंगे सब इसमें आ जाएंगे। दिल्ली की बात करें तो नेशनल कैपिटल रीजन में दिल्ली आएगा, नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद और फरीदाबाद, ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स आ जाएंगे। तो इसी तरह से सारे एक एक करके दिए हैं, वो आपको देख लेना है, जो आपसे संबंधित है उसको अच्छे से देख लीजिए, अपना डिस्ट्रिक्ट ढूंढ लीजिए, उसी हिसाब से फिर आपको अप्लाई करना है। तो आइए जल्दी से मैं ऑनलाइन अप्लाई करने की भी वेबसाइट आपको खोल करके दिखा देता हूं, ताकि आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत अप्लाई करते समय ना हो। तो ये बच्चों अप्रेंटिसशिप का ये ऑफिशियल पोर्टल है ONGC का, इसको आप नोट कर लीजिए अच्छे से। इसमें आप देख पा रहे हैं ONGCApprentices.ONGC.co.in, इसको आप खोलेंगे तो यहाँ इस तरह से लिखा है, ये देखिए लाइन से होम एडवर्टीजमेंट, जो मैंने अभी आपको PDF दिखाई थी वो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको एडवर्टीजमेंट मिल जाएगा, PDF में डाउनलोड आप कर सकते हैं। ये देखिए क्लिक किया मैंने तो ये देखिए एक PDF ये खुला, तो मैं डाउनलोड कर चुका हूँ तो कैंसिल कर देता हूँ, आपको डाउनलोड कर लेना है। इन्फॉर्मेशन ब्रोशर भी आपको मिल जाएगा। अब आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो ये रजिस्ट्रेशन का देखिए दिया है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये दो आ जाएगा, एक तो डिप्लोमा ऑब्लिक इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स के लिए, और दूसरा है नीचे ITI ट्रेड ऑब्लिक डिग्री, जो एक्सेप्ट इंजीनियरिंग के अलावा जो है डिग्री जो कर रखा है, अन्य UG कोर्सेज होते हैं के लिए इसमें है। तो बच्चों इसमें आप अप्लाई कर दीजिए, जिससे भी आप ये डिप्लोमा के जो इंजीनियरिंग फील्ड के स्टूडेंट्स हैं या इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसके थ्रू कर देंगे, ITI ट्रेड या जो दूसरे जो कोर्सेज हैं डिग्री के वो इसमें अप्लाई कर देंगे। तो उसके बाद आप जैसे मान लीजिए डिप्लोमा वाले में हमने क्लिक कर दिया तो इस तरीके से एक नया पोर्टल खुल गया, इस तरीके से सामने आ रहा है, ये देखिए। तो ये आपके सामने जो पोर्टल आ गया है, ये पोर्टल आ गया है नेट्स पोर्टल, यानी आपको रजिस्ट्रेशन इसके थ्रू करना है, और इसी के थ्रू आपको क्या करना है, अप्लाई कर देना है। ये जो पोर्टल बना है .mhrdnets.gov.in, तो इसमें बच्चों सारी चीज़ें, यदि आपको कोई दिक्कत है पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए, इसको समझ लीजिए, और जो भी आपके संबंधित पोर्टल है उसके माध्यम से आप इसको अप्लाई कर दीजिए। तो ये था बच्चों आपके लिए महत्वपूर्ण अपडेट, और इसी तरीके की उपयोगी और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, आप सभी का दिन शुभ हो।